मुंबई की रहने वाली एक युवती प्यार में धोखा खाने के बाद इंसाफ की गुहार लगाने जौनपुर पहुंची है। युवती बदलापुर थाने में गुहार लगा रही है। मंगलवार की रात उसने तहरीर देकर आरोप लगाया कि थाना क्षेत्र के छिटकापुर गांव के एक युवक ने प्यार में धोखा दिया, साथ ही शारीरिक संबंध बनाए और गर्भपात कराया है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। युवती बिहार के सीतामढ़ी जिला के परिहार थाना क्षेत्र की रहने वाली है। उसने आरोप लगाया कि साल 2020 में उसकी मुलाकात मुंबई के गोरेगांव में बदलापुर थाना क्षेत्र के छिटकापुर निवासी विशाल यादव और सोनू से एक स्टूडियो में हुई। दोनों की दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। युवती अपने परिवार को छोड़कर विशाल के साथ रहने लगी और दोनों ने मुंबई में ही एक मंदिर में शादी कर ली। युवती का आरोप है कि विशाल शादी के बाद उसे लेकर छिटकापुर आ गया, 20 दिन रहने के बाद फिर मुंबई ले गया। इस बीच युवती वर्ष 2020 में गर्भवती हो गई। युवती ने आरोप लगाया कि विशाल ने तब उसका गर्भपात करा दिया। साल 2020 में फिर वो गर्भवती हुई। आरोप है कि इस बार भी विशाल ने जबरदस्ती दवा देकर गर्भपात करा दिया, जिसे लेकर वो परेशान हो उठी। युवती का कहना है कि उसने कोर्ट में शादी करने के लिए दबाव बनाया तो विशाल बार बार शादी का वादा करता रहा और एक दिन उसे छोड़कर कहीं गायब हो गया। बार बार फोन करने के बाद युवती की जब विशाल से बात नहीं हो पाई तो वह 18 अक्टूबर को बदलापुर थाने पहुंची। पुलिस ने विकास के परिवार को थाने बुलाया, जिन्होंने शादी से ही इनकार कर दिया। साथ ही यह भी बताया कि विशाल से उनकी बातचीत नहीं हो रही है। वहीं पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर विशाल कुमार यादव उर्फ सोनू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। युवती बुधवार को बिहार चली गई। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक संजय वर्मा ने बताया कि युवती की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी विशाल की तलाश की जा रही है। सर, मैं यहाँ पे एक्चुअली आई थी अपनी शादी के लिए। जो मेरे हस्बैंड है वो मुंबई से छोड़ कर निकल गए। पहले उससे प्यार हुआ, उनसे फिर वो मेरी शादी किए, मुझे बहुत अच्छी तरह से बताया उताए और मैं उनको अपने बारे में सब कुछ बताई थी। जबकि पहले मैं क्या थी, क्या करती थी, नहीं करती थी, मैंने उनको सब कुछ बताया। सब कुछ बताने के बाद भी उसने मेरे से शादी किया। शादी करने के बाद 6 महीने के बाद मैंने उनको बोला, पहले मंदिर में उसने शादी किया मेरे से, गोरेगांव वेस्ट मोतीलाल नगर 1 नंबर हाथी सर्कल के पास, वहाँ पे गणेश मूर्ति का मंदिर है, वहीं पर उसने शादी किया। 3 बजे सुबह 25 जनवरी 2019 को उसने शादी किया मेरे से। शादी करने के बाद सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 6 महीने के बाद मैंने उनको यही बोला कि मेरे से कोर्ट मैरिज करो, तो वो बोलने लगे मेरे को कि हाँ मैं कोर्ट मैरिज करूँगा, 2-3 महीना वेट करो, मैं करूँगा। फिर मैंने वेट किया, उनकी बात माना, ट्रस्ट किया उनके। फिर मैंने वेट किया, वेट करने के बाद मैंने बोला ठीक है, सही है, मैं 2-3 महीना वेट कर लेती हूँ। उसके बाद क्या हुआ, फिर 2-3 महीने के बाद फिर मैं उनको बोली, तो बोला कि अभी थोड़ी पैसे उसे का दिक्कत है, अभी नहीं कर सकते, उसके बाद लॉकडाउन आ गया तो बोले कि नहीं कर सकते, थोड़ा 2-3 महीना और रुक जाओ। फिर मैंने उन पर ट्रस्ट किया, फिर मैंने रुका। और रुकने के बाद करीब 2 या 2.5 महीने ऐसे एक्चुअली हो रहा था उस टाइम। फिर मैं बोली तो बोला है कि हाँ ठीक है, कल परसों चलते हैं। कल परसों चलने के बाद क्या हुआ, उसने बोला कि परसों शूटिंग है, फिर वो शूटिंग पे निकल गए। शूटिंग पे जाने के बाद बोलने लगा कि आज तो मैं शूटिंग पे जा रहा हूँ तो नहीं होगा। तो मैं बोली ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। फिर उस टाइम से मैंने बात करना ही बंद कर दिया, कोर्ट मैरिज के बाद करना ही बंद कर दिया। और वो भी बंदा मेरे से कुछ नहीं बोला, और मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हाँ अगर बंदी नहीं बोल रही है तो मैं खुद से बोलकर या फिर मैं खुद जाता हूँ लेकर साथ में, कुछ नहीं। फिर तब से फिर साथ में रहा। उसके बाद बच्चे भी 2020 में बच्चे भी आ गए। तो उसने क्या किया, मैंने बोला उसे कि ऐसे स्वभाव है, ऐसे से प्रॉब्लम है, तो उसने बोला कि कोई नहीं, अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए, आप दवा खा लो या फिर चलो मैं दवा दिला देती हूँ, ऐसा ऐसा। फिर मैंने बहुत कोशिश किया कि मनाया उसको, ऐसा नहीं करूँ, एक बच्चे का भी जिंदगी बर्बाद नहीं करूँ, उसे हमें भी दिक्कत होगी। तो फिर भी उसने मेरे को बोला अभी पैसे का दिक्कत है, आप समझो ये वो, मुझे बहुत भगाने लगा। तभी मैं सोची चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर ऐसा दिक्कत है तो कोई नहीं, इस बार कर लेते हैं। तो उसने गया मेरे साथ, वहाँ पे जाके दवा दिलवाए। दवा दिलाने के बाद उसने दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ,
फिर से अच्छे से साफ सही से रहने रहने के बाद फिर क्या हुआ 2021 में फिर यही दो चार महीने पहले फिर बच्चे आ गए। फिर मैंने उनका उनको बोला तो बोला कि नहीं अभी भी नहीं चाहिए। फिर बोला कि नहीं चाहिए, जबकि इस टाइम पैसे उसे का कोई दिक्कत नहीं था, काम भी अच्छा चल रहा था, फिर भी बंदा बोला ठीक है। ज़बरदस्ती इस बार नहीं करवाना चाहती थी, इस बार कोई मेरा दिमाग में ये नहीं था कि मैं करवाऊँगी, फिर भी उसने करवाया। ज़बरदस्ती मेरे को ले गया हॉस्पिटल में, बात किया ले गया, मुझे दवा दिलवाया, दवा दिलवाने के बाद सब ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ, मैं जब गांव आई थी, गांव से फिर मैं वापस गई, वहाँ पे जाने के बाद मैं उनको बोली, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगी कि अब तो आप शादी करो, क्योंकि 3 साल हो गया, अब तो आपको शादी करना पड़ेगा। मेरे साथ रिश्ते में इतना साथ रह रहे हो, इतने दिन से रह रहे हो, सेक्सुअल रिलेशनशिप में हो, तो कुछ तो आपको बनता है, आप करो, आप शादी करो, बहुत टॉर्चर किया। तो 2-3 बंदा वहाँ पे गाना गाने के लिए आया था स्टूडियो में, उन लोग के साथ सामने ही बोली मैं, तो एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं 11 तारीख को चलूँगा। 10 तारीख को मैंने बोला तो वो बोला 11 तारीख को मतलब कल होकर चलूँगा। मैंने डायरेक्ट थाना में आई कि मुझे यहाँ से कुछ हेल्प मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि थाने वाले भी हेल्प नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, ये बोल रहे कि जहाँ से कुछ हुआ है वहीं से होगा। लेकिन मुंबई वाले पुलिस बोला कि उनका जहाँ घर है आप वहाँ से जाके कंप्लेन करो या जो भी करना है वहाँ से करो, लेकिन यहाँ के जो थाने वाले कुछ हेल्प नहीं कर रहे और कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। इसे मैं क्या करोगी आप? इसमें मुझे कुछ नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा मैं थाना में रहूँगी, भूखी प्यास रहूँगी, वैसे भी मेरे पास तो पैसा है नहीं, तो और यहाँ पे कोई रहने के लिए कुछ है नहीं, तो मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं थाने में ही रहूँगी। चाहे अगर थाने में वो मारेंगे भी पीटेंगे भी कुछ भी करेंगे, कितना भी भगाएगा, मैं भागूंगी नहीं, मैं जाऊँगी नहीं, थाना में रहूँगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता यादव हुआ और मेरे हस्बैंड हो गए विशाल यादव।